हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 मार्च का बिल्कुल वायरल पेपर, और ये पेपर 2024 बोर्ड में 110% आएगा। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया तो आप एक लकी इंसान हो, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपको 70 नंबर लाने से कोई नहीं रुक सकता। इस बार हमें बोर्ड एग्जाम में 98% लाकर स्टेट लेवल में अपना रैंक हासिल करना है। इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। इस पूरे वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, जितने भी प्रश्न हैं, सभी को हमें तैयार कर लेना है, और हमें 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। इस पेपर में बहुत कुछ निर्देश वगैरह दे रखा, लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा, सीधा मैं पॉइंट पे आता हूं। शुरू होता आपका पाठ्य, और ये पेपर जो है पूरी सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेगी, ठीक है, विद सॉल्यूशन है, तो आपको कुछ भी नहीं करना। 70 नंबर आप भी अगर अपने बोर्ड एग्जाम में लाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इन फ्यूचर आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलेंगे। तो मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन सबसे पहला पार्ट आपको आता है, जो कि 20 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का ये? 20 मार्क्स का, जिसका आंसर आपको ओएमआर शीट पे देना है। इसके लिए आपको 1 आवर का समय दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि आपको क्या करना है, इस पैसेज को केयरफुली पढ़ना है, और इसमें से पढ़कर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए, उसमें से सही आंसर आपको बताना है। तो आपको इस तरह से एक क्या दे दिया गया है, पैसेज, इसे आपको क्या करना है, केयरफुली पढ़ना है। थर्ड, द हाउस एंड द ग्राउंड्स बिलोंग टू माय ग्रैंड पेरेंट, द मैग्निफिसेंट ओल्ड बनियान ट्री वाज माइन चीफली बिकॉज ग्रैंडफादर एट 65 कुड नॉट लॉन्गर क्लेम इट। इसे आपको पढ़ना है, ठीक, सिंपली इस तरह से हम पढ़ लेते हैं ये पूरी चीजें। अब इसके पीछे क्या क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि द राइटर सेज दैट, यानी इस द राइटर सेज, यानी लेखक कहना चाहता क्या है, द ट्रीज belonged to him because, ठीक है, तो क्या कहना चाहता, his grandfather had gifted it to him, गलत, ठीक है, his grandfather was too old to climb it, यही कहना चाहता, तो ऑप्शन नंबर आपका। नेक्स्ट है आपका द ट्री वाज, ठीक है, यानी कि द ट्री वाज में क्या है, इसमें आपका दे रखा था क्या, his grandfather was too old to climb it, ये करेक्ट है, he was very fond of it, ठीक है, ये गलत है, His friend the squirrel lived in, ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि the tree was, ठीक है, एज ओल्ड एज द ग्रैंड फादर, एज ओल्ड एज द हाउस, एज ओल्ड एज देहरादून, एज ओल्ड एज द राइटर, ठीक है, तो ये इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एज ओल्ड एज देहरादून। तीसरा है कि द राइटर कुड हाइड बिहाइंड द ट्री बिकॉज इट वॉज ओल्ड, क्योंकि वह बूढ़ा था, इट हैड ब्रांचेज विद थिक ग्रीन लीव्स, ठीक है, ही वॉज स्मॉल, दियर वर मेनी क्रेचर ऑन द ट्री, ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, तो इसमें से इट हैड ब्रांचेज विद थिक ग्रीन एंड लीव्स थे, ठीक है। एंड इसके बाद 4 to 8 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग। यहां से चालू हो जाता है आपके ग्रामर, आई हिम ए साइकिल ऑन हिज बर्थडे, ठीक है, तो गिव भराएगा कि गिवेन की गेव की गिविंग, तो इसमें भराएगा गेव, ठीक है, यानी उसके बर्थडे के दिन मैंने उसे क्या दिया, बाइसिकल गिफ्ट में दिया। अगेन है कि सीता सिंग्स वेरी गुड, ठीक है, यानी सीता बहुत अच्छा गाती है, सी इज, ठीक है, सिंगर है कि डांसर है कि म्यूजिशियन है कि नान ऑफ किस है, तो इसमें से सीता जो है वो क्या है, सिंगर है, तभी तो अच्छा गाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। तो छठा है कि इन स्टडीज ही इज इन गेम्स एंड गुड बोथ, ठीक है, इसे आपको सही तरीके से बैठाना, ये इधर पहले सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगा, ये पहला हो गया ही, ये दूसरा हो गया इज, इसके बाद इसमें क्या है, ये वर्ब है, ये हो जाएगा आपका गुड, ही इज गुड इन, ठीक है, इन आपका चौथा हो जाएगा, किस में नहा रही, बाथ में, ये पांचवा हो जाएगा बाथ, फिर स्टडीज एंड गेम, स्टडीज छठा हो जाएगा एंड गेम, ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा सातवां हो जाएगा। तो देखिए इसमें ही इज गुड, ही इज गुड, ठीक है, इन बाथ स्टडीज एंड गेम, ये वाला आपका करेक्ट बन गया, ठीक है, ये नहीं होगा, ही इज बाथ गुड इन स्टडीज एंड इन गेम, ये नहीं होगा करेक्ट, ठीक है, ये करेक्ट हो गया। सातवां की विच ऑफ द फॉलोइंग इन करेक्टली स्पेल्ड, यानी वर्तनी किसका शुद्ध है आपको वो बताना, वंडर का ये है कि ब्लंडर क्या है कि थंडर का है कि स्प्लेंडर का है, इसमें दे रखा है वंडर ब्लंडर थंडर स्प्लेंडर, ठीक है, तो इसका जो वर्तनी शुद्ध है वो किसका है, ये थंडर का शुद्ध है, ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है, तो इसमें क्या भरा जाएगा, फ्रॉम भरा जाएगा यहाँ पे, तो इस तरह से आप फ्रॉम इसमें भर देना। नेक्स्ट देख लेते क्वेश्चन, नेक्स्ट आता 9 to 10, आपको क्या करना, रीड द पैसेज गिवन इन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो।
ठीक है। तो अभी आपको क्या बोल रखा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी सबसे पहले आपको इसको पढ़ना है एंड इसके नीचे देख क्वेश्चन के आंसर देना। तो इसमें से नवा आता है इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, इट रेफर्स हियर टू, कहां पे उसे रेफर किया गया इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो हेल स्टोन्स, ठीक है, ओले के रिप में गेटिंग उसे क्या मिला, बैड नाउ टू रेफर्स हियर टू हेल स्टोन्स यानी तूफान, ठीक है। इसके बाद दसवां है कि लेंचो होप्ड इट वुड पास क्यूकली बिकाज, तो द राइप कॉर्न वुड फ्लरियस मोर, द राइप कॉर्न वुड बी डिस्ट्रॉयड इन इट, द लैंड वॉज ओवर फ्लोडेड, द हाउस वुड गेट डाउन, ठीक है। तो इसमें आपका दसवां ये वाला ऑप्शन द राइप कॉर्न वुड बी डिस्ट्रॉयड इट इन इट, ठीक है, उसकी फसल क्या हो गए थे, नष्ट हो गए थे। 11 से 13 की चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो थिंक्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, ठीक है। तो देखो बंक आप क्रूक रूड अनहेल्पफुल प्राउड, ठीक है, यानी जो लेंचो का हेल्प करता है पोस्ट ऑफिस उसे लेंचो क्या कहता है इसके बारे में पूछ रखा है। तो वो कहता है कि ये बंच ऑफ क्रूक्स है, ठीक है। एंड 12 नंबर की व्हाट बेगन मंडेलास हंगर फॉर द फ्रीडम, द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम, हिज ऑब्लिगेशन टुवार्ड्स पीपुल, हिज ऑब्लिगेशन टुवार्ड्स फैमिली, ही वॉज बॉर्न टू फाइट, ठीक है। तो इसके विषय में उसका क्या संदर्भ था, ये था कि द फैक्ट दैट इज हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम। इसके बाद तीसरा हु इज द आथर ऑफ कुर्ग, कुर्ग के जो आथर है वो कौन है, अरूप कुमार दत्ता, लोकेश अब्रोल, लुसिया रोडरगियस, नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो देखो जो कुर्ग के आपके वो आथर थे वो कौन थे, लोकेश अब्रोल थे, ठीक है, लोकेश अब्रोल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये पूरी क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ है, आप अपने इस क्वेश्चन पेपर को फ्रेंड को भी शेयर कर दो ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके, ठीक है, टेलीग्राम व्हाट्सएप मैसेंजर कहीं भी शेयर कर सकते हो। और वीडियो सबसे पहले तो आप लाइक कर दो, ठीक है। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब देखो आपको इसको रीड करना है, ठीक है। ही हर्स द लॉस्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कॉर्स एंड द स्टोर्स विथ हिज ब्रिलियंट आई एट द ब्रिलियंट स्टोर। इसके बाद पूछ रखा हु कंपोज दीज लाइन, इसे किसने कंपोज किया है, देर का कार्ल सैंडबर्ग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, लेस्लाई नूरिस, रॉबिन क्लेन, ठीक है। तो इसको किसने कंपोज किया है, तो वो किया है आपके ये लेस्लाई नूरिस, ठीक है। 15 की व्हाट डज ही हियर एट नाइट, ठीक है, वो रात को क्या सुना, वॉइस ऑफ द क्रेट टेकर, लास्ट वॉइस ऑफ द पेट्रोलिंग कॉर्स, वॉइस ऑफ को एनिमल्स या जू सराउंडिंग, क्या सुना वो लास्ट रात को, तो वो सुना था आपका लास्ट वॉइस ऑफ द पेट्रोलिंग कार का लास्ट आवाज सुना था। इसके बाद 16-20 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु वाज मिस्टर पंफेरी, ठीक है, मिस्टर पंफेरी कौन थी, द मैड थी कि द क्रेट टेकर थी कि द नर्स थी कि द मिस्ट्रेस थी, कौन थी, ठीक है, तो ये थी द मिस्ट्रेस, ठीक है। इसके बाद भोली, यहाँ पे देखा भोली वाज द डाटर ऑफ, ठीक है, 17वां, किसकी डाटर थी भोली, किसकी पुत्री थी, कलेक्टर रामलाल, तहसीलदार रामलाल, इंस्पेक्टर रामलाल, यहाँ पे नंबेरदर रामलाल, ठीक है, यानी किसकी पुत्री थी जो रामलाल थे, उसके पिता क्या थे, तो उसके जो पिता थे वो ये थे नंबरदर, ठीक है, नंबरदर रामलाल। 18 नंबर है डिड दे फाइंड द लॉस्ट नेकलेस, ठीक है, नेकलेस मतलब गले का हार, नो एस नॉट मेंशनड मे बी, ठीक है, क्या था, तो ये 18 का आपका नो था, ठीक है, डिड दे फाइंड द लॉस्ट नेकलेस, तो नो दे फाइंड द लॉस्ट नेकलेस, तो नो लगाकर डिड की जगह पे आप बना सकते हो। यहाँ पे कि रिचार्ड इब्राइट वाज, क्या थे रिचार्ड इब्राइट थे, वो क्या थे, एक्टर थे कि सिंगर थे कि इंजीनियर थे कि एक साइंटिस्ट थे, तो ये एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। बिस्मा की हु वाज द थीप ऑफ द स्टोरी, द थीप स्टोरी, थीप स्टोरी में थीप कौन था, चोर कौन था, हरी सिंह था कि अनिल था कि मंगल लाल पांडे था कि सुरेश था, ठीक है, तो इसमें हरी सिंह था, तो ये तो आप जानते हो, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से शुरू हो जाता आपका पार्ट बी, ठीक है, पार्ट बी को कैसे लिखना है, कैसे तैयार करना है, इंग्लिश की कॉपी कैसे आपको लिखना है, पूरा नंबर मिले, यहां से हम चीजें देखेंगे। इसके नीचे भी क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले बोलता है कि क्वेश्चन को पढ़ो, बट आप सबसे पहले आंसर
ये क्वेश्चन को इसको पढ़ो, पैसेज को मत। देखा कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय आवर एंसेस्टर, ठीक है, एंसेस्टर कौन से प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। यहाँ दे रखा कि आवर एंसेस्टर हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन द गेटिंग बुक्स, गेटिंग बुक्स की प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, ठीक है। इसका लिखेंगे आवर एंड यहाँ पे आवर एंसेस्टर्स फेस्ड द प्रॉब्लम ऑफ द गेटिंग बुक्स, ठीक है, गेटिंग बुक्स के प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। यहाँ क्वेश्चन नंबर डाल देना है, ऊपर में आपको डालना है पार्ट बी, ठीक है, इस तरह से पार्ट बी डाल देना है। ये चीजें, यही चीजें एग्जामिनर देखता है। और यहाँ पे हम रीडिंग करें तो यहाँ पे आपको क्या डाल देना है, रीडिंग इस तरह से। तो ये हो गया आपका रीडिंग, इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में ब्लैक पेन से इसे डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ आवर डिफिकल्टी इज व्हाट टू रीड, हाउ कैन वी ओवरकम दिस डिफिकल्टी। तो इसका मतलब क्या हुआ आपको, तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि वी कैन ओवरकम दिस डिफिकल्टी बाई बींग केयरफुल अबाउट द च्वाइस ऑफ बुक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसका च्वाइस ऑफ डियर फॉर च्वाइस ऑफ बुक था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट इसमें देखा व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड इविल्स, ठीक, इविल्स का अपोजिट क्या होगा, गुडनेस होगा, क्या होगा, गुडनेस होगा, अच्छा होगा। और इसके बाद फाइंड वर्ड इन द पैसेज विच द मीन्स फॉर द फादर्स, ठीक है, फॉर फादर्स का मतलब होगा एंसेस्टर्स, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। ये पूरे का आंसर हो गया ए बी, व्हाट टू नाउ और डिफिकल्टी इज व्हाट टू रीड, हाउ कैन वी ओवरकम दिस द डिफिकल्टी, इसका हमने लिख दिया। अब यहां से आ जाता है राइटिंग, राइट ए लेटर टू द फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड सिस्टर मैरिज, यानी सिस्टर की मैरिज के लिए आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है, इसको आप कैसे लिखोगे, ठीक है। लेटर लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपका पता लिख देना है, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे आप प्रयागराज में रहते हो, आप वाराणसी में रहते हो, आप लखनऊ में रहते हो, आप गोंडा में रहते हो, तो उसके अपने अपने गांव का नाम और कॉलोनी का नाम पता लिख दो, ठीक है। गोंडा रहते हो तो गोंडा बहराइच लिख दो, अगर प्रयागराज लिखते हो तो प्रयागराज लिख दो, ठीक है। डेट उस दिन का डाल देना 24 अगस्त 2024। अब इसके बाद डियर विनोद जिसको आप लिख रहे हो, हाउ आर यू, आप कैसे हो, आई होप यू आर डूइंग वेल, आप अच्छे होंगे, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर दिस जॉय विद यू, मैं ये पत्र लिखते हुए मुझे खुशी महसूस हो रही, आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू, मुझे यह पत्र लिखते हुए खुशी महसूस दैट कि माई सिस्टर्स मैरिज सेरेमनी इज फिक्स्ड, मेरे दीदी का शादी फिक्स हो गया है, द वेडिंग इज ऑन September 5, 2024, यानी कि 5 सितंबर 2024 को शादी होना तय है, आई इन्वाइट यू टू ज्वाइन द सेरेमनी विथ योर फैमिली, मैं आपको इनवाइट करता हूँ अपने फैमिली के साथ, इस सेरेमनी का ज्वाइन करो, ठीक है, यानी जुटो, आई एम वेटिंग फॉर यू टू कम, अब मैं आपके आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, यहाँ पे कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, और आपके माता पिता से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और योर लविंग, आपके जो प्यारी है वो राधा जी लिख रहे, तो जो भी लिख रहा वो उसका नाम रहेगा, ठीक है। ये चीजें हो गई, इसके बाद आता है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक ए रेगुलर अरेंजमेंट फॉर द इवनिंग गेम्स। अब देखो इसको कैसे लिखना है इवनिंग गेम्स के लिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है ये चीजें, टू द प्रिंसिपल MBM इंटर कॉलेज बरेली, डेट 7 जुलाई 2024, सब्जेक्ट रिक्वेस्टिंग फॉर द अरेंजमेंट ऑफ द इवनिंग गेम, ठीक है, इसको जरूर लिखना ब्लैक पेन से। सर लगाने के बाद कहूँ मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से, बहुत सम्मानपूर्वक आदर पूर्वक आई बैक टू से मैं कहना चाहता हूँ, द मोस्ट सो से दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द ये इसका, ठीक है, 9th B आर ईगर टू प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, दियर इज नो अरेंजमेंट इन द कॉलेज, आई दियर फॉर रिक्वेस्ट योर गुड सेल्फ टू मेक अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स फॉर द पार्टिसिपेट, आई शैल बी हाइली ओब्लाइग्ड, योर ओबेडिएंटली मुकेश राणा, ठीक है, जो क्लास हो उसको लिख देना, इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपको तीसरा आता है राइट रिपोर्ट ऑन दिवाली सेलिब्रेशन योर इन योर विलेज ऑफ द सिटी इन अबाउ 80 to 100 words, ठीक है, यानी कि दीपावली पर आपको रिपोर्ट लिखना है 80 से 100 वर्डों में, आपकी विलेज में कैसे मनाया जाता है। प्रिपरेशन लिख सकते हैं, लाइटिंग लिख सकते हो, वर्शिप ऑफ द गॉडलेस लक्ष्मी एंड द गणेश, फायरवर्क्स एंड द क्रैकर्स, साइलेंस एट 11 PM, ठीक है, रोड्स एंड द पार्क लुक्ड डर्टी इन द मॉर्निंग, इन सब चीजों के ये हेडिंग के अंतर्गत आप लिखना है दिवाली पे रिपोर्ट। अगर ये नहीं लिखना चाहते तो राइट एन आर्टिकल ऑन द पॉल्यूशन, यही बच्चे सबसे ज्यादा लिखते हैं, अबाउट 80 to 100 words, इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग, ठीक है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है कि क्या है और उसकी मीनिंग क्या मतलब होता है,
तो देखो ये हमने कुछ लिखा है इसके अंतर्गत, ये 100 वर्ड में, ठीक है, कितने वर्ड में, 100 वर्ड में, इतना ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है क्या, इंट्रोडक्शन एंड द मीनिंग। तो इंट्रोडक्शन, पॉल्यूशन हैप्पीनेस वेन हार्मफुल स्टॉप्स गेट्स इनटू द नेचर एंड द मेक्स थिंग्स बैड, देयर आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, कई प्रकार के होते हैं, लाइक्स डर्टी एयर, गंदी हवा, डर्टी वाटर, डर्टी सॉयल, गंदी मिट्टी, टू मच नॉइस एंड टू मच लाइट। द सोर्स ऑफ पॉल्यूशन आर द डाइवर्स रैंगिंग फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज टू द हाउस होल्ड वेस्ट पॉल्यूशन हैज सर्वे, यहाँ पे कंफ्लुएंस ऑन इकोसिस्टम, ह्यूमन हेल्थ एंड द ओवरऑल वेल बींग ऑफ आवर प्लेनेट, एड्रेसिंग पॉल्यूशन इज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट रिक्वायर्स ग्लोबल अवेयरनेस एंड द सस्टेनेबल प्रैक्टिस, गवर्नमेंट प्ले ए यहाँ पे सर्कल रोल इन द इन्फोर्सिंग रेगुलेशन, प्रोमोशन रिन्यूएबल इन एनर्जी सोर्स एंड द रेसिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑफ इन्वायरमेंटल कंसर्वेशन। ठीक है, ये चीज इस तरह से लिखना है, ये पूरे में आपको प्रिवेशन आपको हार्म्स कॉज बाय द पॉल्यूशन, काइंड ऑफ पॉल्यूशन में लिख सकते हो, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, और एयर पॉल्यूशन, और सॉयल पॉल्यूशन, ठीक है, केमिकल पॉल्यूशन, कंक्लूजन लिखना है। इसके बाद रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय द चेंजिंग इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, यहाँ पे दो रखा है इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है, कैसे कैसे लिखना है। तो सबसे पहले दे रखा है मोहन सेड टू मी, मुझसे कहा, आर यू राइट ए लेटर, राइटिंग ए लेटर, क्या तुम पत्र लिखोगी, लिखती हो। तो यहाँ पे रहेगा मोहन, कैसे बनेगा देख लो, मोहन आस्क्ड मी, पूछ ही रहा है, आस्क्ड मी, अब आर को हटाकर इफ लगा देंगे, इफ, ठीक है, इफ आई यू गया मोहन के पास, इसका हो जाएगा आई वाज है तो वाज लगा देंगे इसको, ठीक है, आई वाज, इसके बाद राइटिंग ए लेटर, इस तरह से आपको इसका बनाना है, ये इनडायरेक्ट स्पीच। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, अब देखो यहाँ पे पीपुल वाला है, पीपुल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स, तो इसका कैसे बनेगा, ठीक है, सबसे पहले आपको द फ्रीडम फाइटर ही उठा लेना है, ये द फ्रीडम फाइटर, यहाँ पे हम लिखेंगे कि द फ्रीडम फाइटर्स, इसके बाद क्या लिखेंगे, द फ्रीडम फाइटर्स आर लगाएंगे, ठीक है, आर, इसके बाद ऑलवेज एडमायर बाय द पीपुल, ऑलवेज का प्रयोग कर देंगे इसमें, ऑलवेज ये है, ठीक है, ऑलवेज एडमायर बाय द पीपुल, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, बाय द पीपुल लिख देंगे, इस तरह से बनेगा इसको। फ्रीडम फाइटर को आप सब्जेक्ट बना लो, द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर बाय द पीपुल। इसके बाद है पंचुएशन, ठीक है, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू दिल्ली टू सी योर एलिंग मदर, ठीक है, तो यहां से सबसे पहले आई एम बन जाएगा, आई एम गोइंग टू दिल्ली, इतना हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, आई एम गोइंग टू दिल्ली टू सी योर एलिंग मदर, ठीक है, ही सेड हटा दीजिए आप इसको, इसका क्या मतलब, ये कह रही है, आई कह रही तो इसके लिए लगा है, तो आई एम लिखेंगे, इसको कैपिटल रहेगा, आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है, ये एल है, दिल्ली टू सी योर एलिंग मदर, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। नेक्स्ट है आपका कि प्रयागराज एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है, तो इसमें सब्जेक्ट है क्या, प्रयागराज, ठीक है, तो कैसे इसको लिखेंगे देखो, इस तरह से हम लिख देते हैं प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज ऐतिहासिक नगर है, ठीक है, तो यहाँ पे इज लगाएंगे, प्रयागराज इज अ प्राचीन ऐतिहासिक, का प्राचीन का क्या होता है, एनसीएंट, ठीक है,
तो इसको लिख देंगे एनसियंट, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक का हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल नगर है, नगर का सिटी। इसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे, इसका एक गौरवशाली इतिहास है। ठीक है, तो इसका मतलब किसका, प्रयागराज का, तो इसका यहां पे है तो इसके लिए इट का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, इट, इसका एक गौरवशाली इतिहास है, इट हैज लगा देंगे। ठीक है, इट हैज ए, अब देखो गौरवशाली का क्या होता है, ग्लोरियस होता है, क्या होता है, ग्लोरियस, लिख देंगे ग्लोरियस, इतिहास, गौरवशाली इतिहास है। ठीक है, गौरवशाली का लिख लिया, इतिहास का क्या होता है आपका, हिस्टोरी, हिस्टोरी। ठीक है, ये हो गया। यहां गंगा, यहां गंगा और यमुना का संगम है, तो यहां किसका संगम है, गंगा और ये इनका, तो यहां का के बाद संगम है, तीसरी सम उठा लेते हैं। देखो संगम का जो होता है वो होता है कन्फ्लुएंस। ठीक है, तो द कन्फ्लुएंस ऑफ, द कन्फ्लुएंस, ठीक है, कन्फ्लुएंस ऑफ, देखो द कन्फ्लुएंस ऑफ द नदी है बड़ा, तो इसके आगे द लगेगा, द गंगा, इसको कैपिटल अक्षर से लिखेंगे, द गंगा और एंड यमुना। ठीक है, एंड द यमुना, द यमुना, ठीक है, इज हियर, यहां पे है तो इज हियर लिख देंगे। इसके बाद है यहां उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो यहां पे का के बाद क्या है, उच्च न्यायालय है, तो का के बाद से आप उठा लो सब्जेक्ट, तो यहां पे उच्च न्यायालय का क्या होता है, द हाई कोर्ट होता है, क्या होता है, द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किसका होता है, द एच आई जी एच, द हाई कोर्ट, द हाई कोर्ट ऑफ आप यूपी इज हियर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का यूपी, आपको उत्तर प्रदेश पूरा लिखना है। इस तरह से प्रयागराज इज एनिशियंट, इज द हिस्टोरिकल सिटी, इट वाज ए ग्लोरियस हिस्टोरी, द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड द यमुना इज हियर, द हाई कोर्ट ऑफ यूपी इज हियर, यानी उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट यहाँ पे है। इस तरह से आपको बनाना है। इसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्स, व्हाट अकॉर्डिंग टू द मंडेला इज ट्रू फ्रीडम, यानी कि मंडेला के अनुसार जो सही स्वतंत्रता थी वो क्या थी। तो देखो यहाँ पे मंडेला के अनुसार हमने यहाँ पे लिखा है कि अकॉर्डिंग टू मंडेला ट्रू फ्रीडम जो है मींस फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन द लिविंग ए लॉफुल लाइफ। ठीक है, यानी कि कानूनी रूप से जीवन जीने का की फ्रीडम नहीं होता मंडेला के अनुसार। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, या तो आप ये कह सकते हो फ्रॉम हु हैव द इनहैबिटेंट्स ऑफ कुर्ग डी सेकेंडेड एज पर द लॉग एंड, या वाई वाज किस्सा गौतमी सैड व्हाट डिड सी डू इन हर आवर ऑफ ग्रीफ। ठीक है, तो किस्सा गौतमी जो थी वाज सैड थी वो बिकॉज क्योंकि हर सन हैज डाइड, उसके जो सन था पुत्र था मर गया था, इन हर आवर ऑफ द ग्रीफ, वो प्रत्येक घंटे दुखित थी, सी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, वो घर से घर पे दौड़ी इन सर्च ऑफ द मेडिसिन, दवा की खोज में, टू केयर हिम, अपने पुत्र का केयर कर सके। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, न समझ में आया तो बताया करिए, आप और अच्छे से इसको लिख देंगे। इसके बाद है वाई वाज लेंचो एंग्री वेन ही रिसीव द लेटर, यानी कि रिसीव लेटर होने के बाद लेंचो दुखी इसलिए था क्योंकि उसे पूरा पैसा नहीं मिला था। नेक्स्ट है कि राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का आप करेक्टर स्केच लिखो। ठीक है, तो देखो जो लेंचो का करेक्टर स्केच था, वो उस लेंचो का करेक्टर ही वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, एक वो कठिन परिश्रम करने वाला फार्मर था विथ मिनिमम रिसोर्स, बहुत कम धन पे। ठीक है, एंड वर्क लाइक एन ऑक्स इन द फील्ड, वो बैलों से अपने खेतों को जोतता था। ही वाज ए मैन ऑफ फैथ एंड होप, वो विश्वास फैथ, ठीक है, और आशा पे जीने वाला आदमी था। ही इवन आफ्टर लॉसिंग दियर वनली सोर्स, और उसी चीज को वो खो देता है ऑफ द इनकम, इनकम की ही डिड नॉट लास्ट हिज होप, और उस आशा को खोना नहीं चाहता था। ठीक है, ये करेक्टर स्केच आप लेंचो हो गया। वाई डिड एनी प्रैंक मेंटेन ए डायरी, तो देखो एनी जो मेंटेन डायरी इसलिए रखते थे क्योंकि उसके कोई मित्र नहीं था, तो यही है कि एनी बिलीव दैट सी डज नॉट
हैव एनी क्लोज एंड ट्रू फ्रेंड, उसके पास कोई भी सच्चा मित्र नहीं था, ठीक है, फ्रेंड्स हु सी कैन कन्फाइड इन, थॉट सी हैड फ्रेंड सी वॉज नेवर एबल टू ट्रूली ओपन अप अबाउट हर फीलिंग विथ देम, उसकी कमी को महसूस न कर सके, सो सी डिसाइडेड टू द कन्फाइड ऑल हर थॉट, वो डिसाइड करती है एंड इनर मोस्ट फीलिंग टू हर डायरी इंस्टेड, और उस तरह की फीलिंग अपने डायरी से ही लेने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है, व्हाई डज द पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है, अगर ये नहीं आता तो राइट फोर लाइन्स एनी पोएम प्रेस्क्राइब इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, यानी चार लाइन का कोई कविता लिखिए जो कि इस क्वेश्चन पेपर में ना आया हो। आठवां, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, अमांडा फॉग डस्ट ऑफ इसमें, देखो किसका लिखना है और आपको कैसे लिखना है, ये चीजें सबसे मेन चीजें जानना। तो यहाँ पे देखो हमने लिखा है डस्ट ऑफ स्नो का, किसका है, डस्ट ऑफ स्नो का, द शॉर्ट एंड द ब्यूटीफुल पोएम डस्ट ऑफ स्नो हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, दीज पोएम टेल्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर थिंग्स, ठीक है, नेचर के बारे में बताती है, इन ह्यूमन लाइफ यानी ह्यूमन के जीवन में नेचर का कितना इंपॉर्टेंट है, रोज द पोएट वॉज इन अपसेट मूड, पोएट अपसेट मूड होता है तो ही वॉज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री के अंदर चला जाता है नीचे, देन द क्रो सूक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ओवर द पोएट सडनली हिज अपसेट मूड वॉज द चेंज, जैसे वो पौधे के नीचे जाता है उसका अपसेट मूड चेंज हो जाता है इंटू हैप्पीनेस, खुशियों में बदल जाता है, एंड ही बींग टू इंजॉय द नेचर, और वो प्रकृति से इंजॉय करने लगता है। इसका स्क्रीन शॉट लेना, ये लिखना बिल्कुल सेम, ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे, इस तरह से लिखना है। एंड इसके बाद है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 30-41, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, यानी ट्रिकी को सेव करने का केवल एक जो वजह था वो क्या था, ठीक है, क्या किससे वो ट्रिकी बच सकती थी, द बेस्ट वे टू द सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज द बाई अवॉइडिंग डिफॉरेस्टिंग एंड द मूविंग टूवर्ड्स फॉरेस्टिंग दैट इज प्लांटिंग ट्रीज, वी शुड ऑल स्ट्राइव टू सेव आवर होम विच इज द प्लैनेट, ठीक है, ये इसका सेव करने का एक तरीका था। और इसके बाद है कि हु वर द इम्पोर्टेंस पीपुल इब्राइट्स लाइफ एंड वाई, ठीक है, यानी जो इब्राइट वैज्ञानिक थे उसके जीवन में सबसे इम्पोर्टेंस कौन लोग थे, उनकी माता थी और वो क्यों थी, ठीक है, इसी के बारे में बताया कि इब्राइट्स मदर जैकलिन कैथराइन इब्राइट्स वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंस पर्सन इन द इब्राइट्स लाइफ, ही हैड लॉस हिज फादर अर्ली, जल्दी वो अपने पिता को खो चुके थे, एंड हिज मदर टू ग्रेट पैंस, और उनकी माता जी काफी बड़े ग्रेट यानी महान बड़े पैनरी दर्द से जूझ रहे थे, टू बरिंग हिम अप, ठीक है, उभर रही थी, सी बाट हिम ए लॉट ऑफ बुक्स, उन्हें बुक खरीद कर दिया करती थी, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप एंड द कैमरा खरीद कर इब्राइट को दिया करती थी, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 61, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह, ठीक है, हरी सिंह का आपको क्या करना है, कैरेक्टर स्केच लिखना है। तो हरी सिंह वाज ए स्मॉल टाइम थीफ, वह कम समय तक चोर था, हरी सिंह वाज नॉट हिज द एक्चुअल नेम, उसका हरी सिंह एक्चुअल नेम नहीं था, एंड ही केप्ट चेंजिंग नेम्स, वो अपने नाम को चेंज किया था, सो दैट ताकि द पुलिस कुड नॉट गेट होल्ड ऑफ हिम, मुझे पुलिस पकड़ ना सकी, ही वाज ए लायर, वो झूठा था एज वेल बिकॉज, क्योंकि ही इवन लाइड टू अनिल दैट ही कुड कुक्स, ठीक है, हिज मेन जॉब वाज द बी फ्रेंड्स विद पीपुल एंड देन डिसाइडेड देम एंड ड्रॉप देम एंड रन अवे, ठीक है, उसका ये मेन मकसद था। इस तरह गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ रिचार्ज इब्राइट, किसी एक का लिखना था। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करेगा, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।